हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको एमबीबीएस। माई सेल्फ अनु, आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि आपको एमबीबीएस की स्टडी कहाँ से करनी चाहिए और लोएस्ट बजट में अगर हमें कहाँ कॉलेज मिलेगा, तो इस वीडियो में आज मैं बताऊँगी कि छत्तीसगढ़ के उन बेस्ट कॉलेजेस के बारे में, वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताऊँगी कि वहाँ पर आपको किस बजट में आपको वहाँ पर ये कॉलेज मिल जाएगा। तो जैसे कि इन छत्तीसगढ़ के तीन कॉलेजेस, थ्री प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी टोटल। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ओके। सेकंड नंबर पे जो आता है आपका आता है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑन द लास्ट। तीसरे नंबर पे आपका आता है श्री बालाजी मेडिकल, जो रायपुर में लोकेटेड है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इन तीनों कॉलेजेस की मैं आज फीस स्ट्रक्चर बताऊंगी और स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में कितने सीट्स होते हैं और कौन से कितने स्कोर पे आप सिक्योर हैं इन कॉलेजेस में सीट्स लेने के लिए, और इसकी फीस स्ट्रक्चर बताऊंगी कि आपको कितना फ़ी पे करना होगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलेज जो है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कॉलेज SSIMS नाम से भी जाना जाता है इस कॉलेज को। और ये कॉलेज आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है ये कॉलेज, ठीक है। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर बात कर लें हम लोग इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये कॉलेज 2016 में ये कॉलेज आपका इस्टेब्लिश हुआ था। एंड ये कॉलेज आपका छत्तीसगढ़ आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी रायपुर से भी एफिलिएट है कॉलेज, और आपका नेशनल मेडिकल कमीशन NMC अप्रूव्ड कॉलेज है ये। बात कर लें हम लोग इसकी कट ऑफ की, अगर आप कितने कट ऑफ लेके जाएंगे या फिर इसमें कितने सीट्स होंगे, ये सब के बारे में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आपको 150 टोटल सीट्स मिलेंगे, जिसमें से कुछ सीट्स जो होते हैं वो स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, कुछ सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए, और जो बाकी सीट्स होते हैं वो आपके नराई कोटा में चले जाते हैं। 64 सीट्स जो होते हैं वो स्टेट कोटा में, 64 मैनेजमेंट एंड 22 एनआरआई सीट्स होते हैं, ठीक है। इसमें से आपको स्टेट कोटा, अगर मान लीजिए अगर आपको एडमिशन लेना है इस कॉलेज में, तो आपको 490 प्लस अगर आपका कट ऑफ जाता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ओके। और बात कर ले सबसे लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है आपका फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर जाना सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। आ जाते हैं फ़ी स्ट्रक्चर पर। इसमें ट्यूशन फीस आपका है 6,45,166 रुपीस पर ईयर, ओके। कॉशन मनी इसमें आपका है वो है 20,000 पर ईयर को पे करना, वो आपका रिफंडेबल होता है। एंड बात कर लें, आ जाते हैं हम लोग इसके फ़ी स्ट्रक्चर पे, जो इसका ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस आपको 6,45,156 रुपीस पे करने होंगे, और साथ ही साथ इसके कॉशन मनी में आपको 20,000 पे करना होगा, जो आपका रिफंडेबल होता है। एंड बात कर ले हॉस्टल एंड मेस फीस का, वो आपका 2,27,700 आपको पे करने होंगे। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं MNT's चार्ज, जिसमें आपको 50,000 पे करने होंगे, और क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन फीस में आपको 1,00,000 पर ईयर पे करना होगा। और स्टूडेंट वेलफेयर फीस, इसमें स्पोर्ट्स रहते हैं, यूनिफॉर्म, एप्रॉन, आईडी कार्ड्स, प्रैक्टिकल मैनुअल, एडमिशन फॉर्म फीस, एवरीथिंग इंक्लूडेड, ये आपको 60,000 पे करने होंगे इसके लिए आपको। और मिसलियस कल्चरल एक्टिविटीज़, इसमें कल्चरल एनुअल डे, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा फीस इसमें ऐड होते हैं, इसमें आपको 80,000 पे करने होते हैं। और स्किल लैब फीस आपको 80,000 पे करने होते हैं। इट्स मीन अगर हम लोग टोटल बात करें तो टोटल आपको 12,62,856 रुपीज़ आपको पे करने होंगे इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप लोग NRI कैंडिडेट्स हैं, अगर NRI कैंडिडेट हैं तो उनको $35,000 पर ईयर पे करना होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने फ़ी स्ट्रक्चर बताया और स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, अगर आपको इसका फ़ी स्ट्रक्चर भी चाहिए तो आप लोग नीचे PDF मैंने लिंक डाल दिया है, उसमें आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, उसमें जाके आप PDF को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ओके। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज पे, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। आप अगर हम लोग बात कर ले, इसको रीम्स रायपुर नाम से भी जाना जाता है ये कॉलेज, और ये कॉलेज की लोकेशन है रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये कॉलेज आपका लोकेटेड है। और बात कर ले कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो ये कॉलेज 2016 में कॉलेज आपका इस्टेब्लिश हुआ था, और ये कॉलेज आपका छत्तीसगढ़ आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी रायपुर से ये कॉलेज आपका अप्रूव्ड है, और नेशनल मेडिकल कमीशन NMC द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज है ये। इसमें कॉलेज में भी आपको 150 सीट्स देखने को मिलेंगे
और इस कॉलेज में आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। बात कर लें हम लोग इसकी फीस सॉरी कट ऑफ की, तो इसमें आपको 490 प्लस या 495 के अराउंड अगर आपका स्कोर आता है इसके अबव, मतलब 490 प्लस ही आपका आना चाहिए, इसके अबव अगर आपका स्कोर होता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। बात कर लें हम लोग इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ट्यूशन फीस कितने होते हैं इसमें, 6,156,100 आपको पे करने होंगे पर ईयर। कॉशन मनी में आपको 20,000 वन टाइम पे करना होता है, और क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन फीस में आपको 55,000 पर ईयर पे करना होगा। स्टूडेंट वेलफेयर फीस आपको 50,000 पर ईयर पे करना होगा, और यूनिफॉर्म आईडी कार्ड्स लाइब्रेरी कार्ड फीस ये सब के लिए आपको 6,000 वन टाइम पे करना होगा। एंड एडमिशन फॉर्म फीस के लिए आपको 7,000 पे करना होगा ओनली वन टाइम। एंड हॉस्टल एंड मैच के लिए आपको 2,00,000 पर ईयर पे करने होंगे। एंड लास्ट मिसलेनियस इसमें कल्चर एनुअल डे एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर एटसेट्रा रहते हैं, उसके लिए आपको 20,000 पर ईयर पे करना होगा। इसमें टोटल आपका बजट जो जाता है वो जाता है 9,23,156 रुपीस आपको पे करना होगा। और NRI कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट के लिए आपको 35,000 USD पर ईयर पे करने होंगे, ठीक है। आ जाते हैं सबसे लास्ट कॉलेज पे, जो कॉलेज आपका श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। इस कॉलेज को SBIMS रायपुर नाम से भी जाना जाता है, और ये कॉलेज आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और ये कॉलेज आपका 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये कॉलेज आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से भी एफिलिएट है, और ये कॉलेज आपका नेशनल मेडिकल कमीशन NMC अप्रूव्ड है, ओके। और इस कॉलेज में भी आपको इसमें कॉलेज में आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, मेल एंड फीमेल दोनों की अलग अलग भी होती है, इसमें आपके हिसाब से आप जैसे चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ओके। और बात कर लें हम लोग इसमें इसकी जो कट ऑफ, इसमें कितने आपको फीस कितने आपको पे करने होंगे, इसमें आप कट ऑफ आपको कितना लाना होगा और फीस कितने पे करने होंगे इसके लिए जाना ज़रूरी है आपको। तो कट ऑफ में आपको जैसे कि मैंने बताया 495 प्लस अगर आपका स्कोर जाता है नीट स्कोर, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ओके। और बात कर लें हम लोग इस कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर, तो इस कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर जाएगा, ट्यूशन फीस की बात करें तो 6,156 पे करना होगा। और बात कर लें हॉस्टल मैच ट्रांसपोर्टेशन स्पोर्ट्स स्टूडेंट वेलफेयर कॉजन मनी कल्चर एक्टिविटीज़ फीस एक्सेट्रा, ये आपको टोटल 6,00,000 पे करने होंगे इस कॉलेज के लिए, ओके। और अगर आप NRI कैंडिडेट हैं तो आपको इस कॉलेज के लिए 35,000 USD अमेरिकन डॉलर फी पर ईयर पे करने होंगे इन कॉलेज के लिए, ओके। ये कॉलेज आपका वेल मैनर्ड कॉलेज है, इस कॉलेज का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, स्टूडेंट सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, और इस यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड है, हॉस्टल है, काउंसलिंग सर्विसेज है, रिपोर्ट एंटी रैगिंग ये सब भी आपके लिए इस कॉलेज में अवेलेबल है। इन तीनों कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें भी मेडिकल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम हॉस्पिटल कंप्यूटर लैब्स कैफेटेरिया जिम लेबोरेटरी IT इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल होता है। ये सारे फैसिलिटीज़ इन तीनों कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है। अगर आप MBBS की स्टडी करने के लिए इस कॉलेज को चूज़ करें तो ये कॉलेज आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने तीनों कॉलेजेस के बारे में बताया, फिर मैं मिलूँगी ऐसे ही बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में बनाऊँगी वीडियो, तब तक के लिए बाय, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।